अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आप लोगों को पता है कि संच मान्यता को लेकर 15 मार्च 2024 का एक नया शासन निर्णय आया है, और जिसमें बताया जा रहा है कि संच मान्यता के नवीन निकष क्या है। मतलब उसमें बताया जा रहा है कि संच मान्यता के जो नए नियम हैं, नए निकष है, वो किस तरीके से है। वो जीआर काफ़ी बड़ा है, जीआर को हम पूरा आपके सामने ना लाते हुए उसके जो मेन पॉइंट है वो हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लाने वाले। मतलब जो अहम बातें उसमें बताई गई है और किस तरीके से और क्रिटिकल होने वाला है टीचरों का मामला, इस वीडियो के ज़रिए से हम बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। इस PDF को हासिल करने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स है वो लेकर आए आपके सामने, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि संच मान्यता नवीन निकष, तो देखिए ये नवीन निकष जो है वो कल के दिन ही मतलब शासन निर्णय में डाले गए हैं। 15 मार्च की हम बात करते हैं, शिक्षकाचा जीवाला घोर, अतिरिक्त शिक्षक मिळणे अवघड झाले, तो इस तरीके से कुछ इसकी हेडिंग दी गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि टीचरों के लिए और मुश्किलें बढ़ रही है। अब वो मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिनांक 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी संच मान्यतेचे नवीन निकष अंमलात आलेले आहे। हे निकष सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलात येतील। याबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत। तो देखिए ये जो नियम है, ये जो निकष है, वो 2024-25 एकेडमिक ईयर से जो है लागू कर दिए जाएंगे, और इसमें कुछ चेंजेस है वो आप लोगों को समझ लेना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है कि क्या चेंजेस है इसमें। एक एक चीज़ को आपने थोड़ा ध्यान से देख लेना है। और सबसे पहली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि संच मान्यतेची संदर्भ तारीख 30 सितंबर असणार। तो देखिए इसकी संदर्भ तारीख जो होंगी वो 30 सितंबर होंगी, ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद दो नंबर पर आप देख सकते हैं कि द्विशिक्षकीय शाळांमध्ये 60 पटासाठी किमान 2 शिक्षक असणार, मात्र तिसरा शिक्षक पात्र होण्यासाठी किमान 16 मुलांची अधिकची आवश्यकता असणार, आणि हे 3 शिक्षक टिकवण्यासाठी किमान 76 मुलांचे आवश्यकता असणार। तो देखिए यहाँ पर बात इस तरीके से हो रही है कि एक टीचर के लिए 30 बच्चे चाहिए, 2 टीचर के लिए 60 बच्चे चाहिए, ठीक है। इसके बाद और जब अगर आपको तीसरा टीचर चाहिए तो उसके लिए आपको 16 बच्चे चाहिए। मतलब 30 का आधा कितना होता है, 30 का आधा होता है 15, और उसमें आप एक और ऐड कर देंगे तो 16, मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे चाहिए तीसरे 30 में से। मतलब हम तीसरे टीचर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि 60 में 2 टीचर होते थे, 65-70 में 3 टीचर आपको मिल जाया करते थे। मतलब 60 से ऊपर अगर आपकी पर संख्या 2-4-10 बच्चे भी है तो आपको तीसरा टीचर अवेलेबल करवा कर दिया जाता था। लेकिन अब आपको 30 का आधा होता है 60, मतलब 15 से ज़्यादा एक और 16 बच्चे यहाँ पर चाहिए तभी आपको तीसरा टीचर मिलेगा, अन्यथा आपको तीसरा टीचर जो है वो मिलने वाला नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 1 ते 20 च्या पट संख्येच्या शाळांमध्ये 2 शिक्षक असणार, तथापि 1 नियमित शिक्षक आणि दुसरा सेवानिवृत्त शिक्षक अशी 2 पदे असणार। और देखिए जहाँ पर पट संख्या 1 से 20 है वहाँ पर 1 ही नियमित शिक्षक होगा, 1 ही रेगुलर शिक्षक होगा, और दूसरा जो टीचर्स होगा वहाँ पर दूसरे जिस टीचर्स का अपॉइंटमेंट वहाँ पर दिया जाएगा वो रिटायर्ड टीचर होगा। ये बात आपने, ये नई चीज़ें इस संच मान्यता में, इस संच मान्यता के निकष में ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद 4 नंबर पर बताया जा रहा है कि पट संख्या 10 पर्यंत केवल त्यापेक्षा कमी असल्यास फक्त 1 शिक्षक मान्य होणार आणि तोही सेवानिवृत्त शिक्षकामधून नेमणार। तो देखिए जहाँ पर पट संख्या 10 से कम है, मतलब 1 से लेकर 10 तक है, वहाँ पर 1 ही टीचर ये लोग देने वाले, और वो जो भी टीचर रहेगा वो रिटायर्ड टीचर के अंडर में ये जो 10 बच्चे दिए जाएंगे, मतलब वहाँ पर रेगुलर टीचर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध नसल्यास नियमित शिक्षक देणार, और बताया जा रहा है कि अगर कहीं पर सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड टीचर नहीं होता है तो वहाँ पर आपको रेगुलर टीचर दिया जाएगा। इस तरीके से इसका ये 4th पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बताया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। 5 नंबर में आप देखेंगे इयत्ता 6वीं ते 8वीं, अब हम 6ठी से 8वीं की बात यहाँ पर कर रहे हैं, मध्ये एकच वर्ग असल्यास 35 पर्यंत 1 शिक्षक आणि त्यापुढे 53 पटानंतर दुसरा शिक्षक मान्य होणार, शिक्षक मानवण्यासाठी किमान 88 पट लागणार। तो देखिए यहाँ पर भी सेम 5वीं का जिस तरीके से निकष है उसी तरीके से निकष यहाँ पर बताया गया है कि 35 बच्चे में आपको 1 टीचर मिलेगा, दूसरे टीचर के लिए आपको 35 का आधा होता है 17.5, मतलब 18 बच्चे कम से कम चाहिए, 35 और 18 हो जाते हैं 53, तो 53 बच्चे अगर आपके पास आते हैं तो आपको दूसरा टीचर अवेलेबल करवा कर दिया जाएगा। अगर 53 से आपका 1 स्टूडेंट्स भी कम रहता है, 52-50 रहते तो आपको 1 ही टीचर में काम करना है, जबकि वो टीचर, 1 टीचर जो है 35 बच्चों में ही काम कर रहा है इस तरीके से। उसके बाद अगला टॉपिक है इयत्ता 6वीं ते 8वीं मध्ये 2 वर्ग असल्यास
70 पर्यंत 2 शिक्षक आणि त्यापुढे 88 पटानंतर तिसरा शिक्षक मान्य होणार. त्यानंतर शिक्षक मान्य करण्यासाठी प्रत्येकी 35 मागे 1 शिक्षक मिळणार. और देखिए हम जहाँ से छठी की आठवीं की बात करते हैं तो यहाँ पर 35 बच्चों में एक टीचर दिया जाता है. उसी तरीके से 70 में 2 हो जाएंगे और 35 का आधा होता है 17.5, मतलब 18 टीचर और चाहिए. इस तरीके से 88 टीचर चाहिए आपको तीसरे टीचर के लिए. इसके पहले ऐसा हुआ करता था कि 70 के बाद अगर 75-77 टीचर भी आपके स्कूल में है या आपकी टुकड़ी में है तो आपको तीसरा शिक्षक मान्य वहां पर हो जाया करता था. लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आपको 88 से ज़्यादा बच्चे चाहिए तभी जाकर आपको तीसरा शिक्षक वहां पर मान्य करके दिया जाएगा. उसके बाद 7 नंबर का टॉपिक आपने यहां पर देख लेना है कि इयत्ता 6वी ते 8वी साठी नवीन शिक्षक पात्र होण्यास किमान संख्येपेक्षा 18 विद्यार्थ्यांचा पट अधिक असावा लागणार. तो देखिए मतलब आपको 35 में एक टीचर मिलता है तो उसका आधा होता है 17.5, में आपको फिर से बता रहा हूँ. और 17.5 को काउंट ना करते हुए आपने उसको 18 समझ लेना है. जब 35 के बाद 18 बच्चे बढ़ेंगे तभी आपका टीचर दूसरा बढ़ेगा. और उसके बाद 35 बच्चों के पीछे एक टीचर जो है आपको 6 से 8 में दिया जाएगा. इस तरीके से यहाँ पर इनका अगला नियम है. हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की. यहाँ पर वीडियो बेहतर लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो देखिए पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है कि मुख्याध्यापक पद पात्र होण्यासाठी इयत्ता 1वी ते 5वी किंवा इयत्ता 1वी ते 7वी 8वीचा एकूण पट किमान 150 असावा लागणार. मात्र जुन्या शाळेत पद संरक्षित करण्यासाठी 135 पट टिकवावी लागणार. अशा प्रकारे मुद्दा नंबर 7 येथे दिलेला आहे. त्यानंतर पुढे बघूया, वरील निकषी संच मान्यतेच्या शासन निर्णयामधील ठळक मुद्दे आहेत. तो देखिए ये कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आए. आणखी बऱ्याच अटी शर्ती त्यामध्ये आहेत और बहुत ज़्यादा जो है शर्तें उसमें अटी जो है उसमें रखी गई. तथापि वरील सर्व निकषाचा विचार केल्यास सन 2024-25 पासून शिक्षक संख्या मान्यतेचे प्रमाण झटके सरशी खाली येणार आहे. इसका रीज़न आपने देख लिया कि जहाँ पर 2-4 बच्चों में भी आपको एक पद बढ़कर दिया जाता था अब आपको कम से कम 35 के आधे 17.5, 30 के आधे 15 और 40 के आधे 20 इस तरीके से बच्चे वहाँ पर चाहिए. आप समझ में आ गए होंगे आपको. आणि ते प्रमाण टिकवणे देखील अवघड असणार आहे. तसेच नियमित एक शिक्षक शाळांचे प्रमाण वाढणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक संख्या टिकणे हे एक यापुढे स्वप्नच असणार आहे. खरं तर आपल्या दृष्टीने ही एक धोक्याची घंटा आहे. याबाबत जाणकारी आणि तज्ज्ञ लोकांनी विचार करून तथा अवकाश का होईना पण योग्य मार्ग काढायला हवा. तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ हिदायतें आपको दी जा रही है कि संच मान्यता को लेकर कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाला कल जो है, आने वाले कुछ साल जो है बेहद मुश्किल हो सकते हैं. क्योंकि 35 में 1 टीचर, 70 में 2, उसके बाद 75-77 में आपको तीसरा टीचर दिया जाता था. लेकिन अब तीसरा टीचर आपको हासिल करना है. 6 से 8 की हम बात कर रहे हैं तो आपको 88 से ज़्यादा बच्चे रखने हैं तभी आपको तीसरा टीचर मिलेगा. अगर 88 से नीचे बच्चे आपके क्लास में आते हैं, आपके स्कूल में आते हैं, तो आप वहाँ पर से अतिरिक्त खो जाएंगे, मतलब तीसरा टीचर आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा. इस तरीके से संच मान्यता के कुछ निकष है और कुछ उसके ठड़क मुद्दे हैं जो हमने आपके सामने लाए और आपको समझाने की कोशिश की है. उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ गई है. वीडियो में जो भी हमने बताया वो एक एक चीज़ आपको ठीक से समझ में आ गई है. PDF को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे. चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ. खुदा हाफिज़.